अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी वेलकम है आप सबका, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है सब बहुत बहुत आपका वेलकम मेरी फ़र्स्ट वीडियो में। उम्मीद है जी मेरी ये एक छोटी सी कोशिश आप लोगों को अच्छी लगेगी। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मुझे पता चल जाएगा, आप लोगों का प्यार इतना मिलेगा, आप लोगों के कॉमेंट्स इतने होंगे, लाइक्स इतने होंगे, तो मुझे ख़ुद ही पता चल जाएगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है या नहीं। तो जी मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे होते हैं डेली, बहुत से इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं मेरा के ड्रेसेस के बारे में, और काफ़ी लड़कियों के कमेंट्स होते हैं कि आप ही हमें कोई रीज़नेबल वेबसाइट बता दें। तो मैं तब से ढूंढ रही थी कोई ऐसी वेबसाइट मिले, तो मुझे ये वेबसाइट मिली, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, हो सकता है आप लोगों को कोई हेल्प हो जाए इससे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट शर्ट आ गई, ये वाली फर्स्ट शर्ट है मेरा की, ये वाली मैंने ली है। ज़रा इसका स्टफ़ थोड़ा सा ना मोटा स्टफ़ है, लाइक सर्दियों के हिसाब की है ये शर्ट। इसमें से कुछ मैंने ली हैं जो कि सर्दियां गर्मियां दोनों में पहनी जाएं, और कुछ ली हैं जो बिल्कुल गर्मियों के पहनने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ के बहुत से कपड़े हैं जो सर्दियों के पहनने वाले हैं। तो इसलिए अब मैंने जो है गर्मियों के कपड़े जो हैं वो अभी से लेने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा जिस इलाके में हम रहते हैं तो इधर इतनी ठंड नहीं होती, सिर्फ 2 माह नेक्स्ट ठंड के हैं, उसके बाद से गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आ रही थी ये वाली शर्ट, सेकंड शर्ट है, ये भी बहुत प्यारी है और फुल स्लीव्स में है। इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसका साइज़ जो है साइज़ नंबर यहाँ पर, तो वैसे मैंने ये 6 to 9 month वाली शर्ट्स हैं वो मंगवाई हैं, क्योंकि मेरा माशाल्लाह 4 month में स्टार्ट है, तो ताकि उसको ये ईज़िली आ जाए, क्योंकि माशाल्लाह वो हेल्दी है और उसको ये वाला साइज़ बिल्कुल पूरा है। उसके बाद आ जाती है ये वाली शर्ट, इसका कलर बहुत प्यारा है। ये शर्ट मुझे बहुत प्यारी लगी थी, पर इसकी क्वालिटी इतनी मज़े की नहीं लगी, क्वालिटी बिल्कुल नॉर्मल सी क्वालिटी है इसकी जी बेटा। और ये भी सेम वही 3 to 9 month वाला साइज़ है। अच्छा तो हुआ कुछ यूँ कि मिरहा ने तो जी अपना ही रोना धोना मचा दिया, फिर मैंने उसको भी सुलाया है। सुलाने के बाद मैं फ्री हुई थी, तो मैंने सोचा बाकी के जो कपड़े हैं वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। अच्छा उसके बाद आ जाती थी ये वाली शर्ट, ये वाली शर्ट भी फुल स्लीव शर्ट है, और इसके साथ जो है ना मैंने ट्राउज़र मैच किया है। वैसे ये सिंगल शर्ट थी, इसके साथ मैंने जो ट्राउज़र मैच किया है वो ट्राउज़र है इस तरह से। इसके साथ मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा इसके साथ ये पहना हुआ अच्छा लगेगा। ये वाला ट्राउज़र है बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो उसके बाद आ जाती है ये वाली शर्ट, ये वाली शर्ट भी इसी तरह से है, फुल स्लीव्स में है, दोनों वेदर्स में पहनी जाएगी, और इसका स्टफ़ तो बहुत ही मज़े का स्टफ़ था ना। इसके साथ भी मैंने एक ट्राउज़र मैच की थी वाइट कलर में, इसके साथ वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है, अच्छा मिंट सा कलर है, मिंट के साथ वाइट का कॉम्बिनेशन ही अच्छा लगता है। तो ये वाली ट्राउज़र है इस तरह से, और बैक से है ये जी इस तरह से मालूसा बना हुआ है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी इसके साथ। तो ये जी पूरा ड्रेस इस तरह से है। अच्छा ये वाले सारे वो कपड़े हैं जो कि थे, आप सर्दियों में पहना सकते हैं, गर्मियों में पहना सकते हैं, ठीक है। बहुत से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि कोई अच्छी सी हमें रीज़नेबल वेबसाइट बताएं, रीज़नेबल वेबसाइट बताएं जहाँ से हम बच्चों के कपड़े ले सकें। यहाँ पे बेबी बाबा दोनों के आप ले सकते हैं, पर मैंने सोचा कि पहले मैं खुद लूँगी, एक्सपीरियंस करूँगी, एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मुझे इनकी क्वालिटी अच्छी लगी है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इनकी चल रही है सेल, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जाकर इनकी वेबसाइट को विजिट करेंगे, जो आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग ले लीजिएगा। अच्छा उसके बाद गर्मियों के कपड़े आ गए हैं, गर्मियों की फर्स्ट शर्ट है ये वाली, ये वाली जो मैंने ली है ना ये 9 to 12 month में ली है मैंने, क्योंकि माशाल्लाह मेरा तब तक बड़ी हो जाएगी। तो ये वाली शर्ट भी बहुत प्यारी शर्ट है। तो सेकेंड शर्ट है हो गई है ये मुझसे ना गलती में 2 कलर सेम डिज़ाइन के मैंने 2 सिलेक्ट कर ली, कलर्स अलग-अलग थे तो इतने सब में ना मुझे समझ नहीं आया, तो ये दोनों सेम डिज़ाइन सेम है, कलर चेंज है सिर्फ, तो कोई बात नहीं चल जाएगी, अब मैंने कहा गई है तो ये इस तरह से है। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं ये शॉर्ट्स लिए हैं मैंने, जो कि बच्चियों को भी बच्चों को भी दोनों को, बेबी बाबा दोनों के बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए। इन शर्ट्स के साथ पहने जाएंगे या किसी और शर्ट्स के साथ देख लूँगी, ये मुझे वैसे ही प्यारा लगा था तो मैंने ले लिया। उसके बाद आ जाते हैं ये जी ये रोम्पर्स जी, ये इस तरह से है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। उसके बाद ये भी रोम्पर है, ये वाला भी इस तरह से है, ये भी 9 to 12 month में ही मैंने लिया है, ताकि ये मेरे हाथ को फिर इजीली आ जाए। इस तरह से दिखाती हूँ, ये देखिए। उसके बाद आ गया ये इस तरह से सिंपल है, इसके स्लीव्स जो हैं कुछ इस तरह से बनी हुई हैं, ये देखें, और ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है।
उसके बाद आ जाता है ये वाला रोम्पर। ये वाला रोम्पर भी इस तरह से है, बच्चियों को इस तरह के रोम्पर्स गर्मियों में खास करके, इतने लाइट वेट कपड़े, एक तो बच्चों को कंफर्टेबल होते हैं, एक ही पहने हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप वैसे पहनाना चाहें वैसे पहना लें, विद शॉर्ट्स पहनाना चाहें शॉर्ट्स पहना लें, विद जीन्स पहनाना चाहें विद जीन्स पहना लें। तो ये इस तरह से है। सबसे लास्ट में रह गया ये वाला, इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ये इस तरह से फुल वाला है, ये देखें इस तरह से। अच्छा, ये सारे हो गए एक वेबसाइट से जो मैंने अब लिए हैं, जो मैंने पहले से लिए हैं। कुछ जीन्स ली थी, ये जीन्स मेरा ने वीडियो में पहनी थी, तो बहुत से मुझे कमेंट्स आए थे और बहुत से डीएम्स आए थे इंस्टाग्राम पे कि ये जीन्स अभी आपने कहाँ से ली है। तो ये जीन्स मैंने इंजन से ली थी, जब मैंने ली थी तब उनकी न्यू अरावल में थी, तकरीबन डेढ़ माह डेढ़ से दो माह पहले की बात है ये। तब ये थी 1600 की, अब उनकी चल रही है 50% सेल। तो अब आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा, शायद हो शायद ना हो। तो ये इस तरह से है। अच्छा, ये उस दिन शर्ट मैंने वीडियो में दिखाई थी, तो वीडियो में इसके भी बहुत से कमेंट्स थे कि ये शर्ट आपने कहाँ से ली है, ये शर्ट आपने कहाँ से ली है। तो ये शर्ट भी मैंने इंजन से ही ली थी 9 to 12 months में, पर ये मैंने मेरा को पहनाई थी। ये मेरा को ना अभी थोड़ी बहुत ज़्यादा थोड़ी सी लूज़ थी, जो कि मुझे पहनने में अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैंने ये पहना ही नहीं है उसे, फिर मैंने रख दी है, ये इसके साथ ली थी मैंने। उसके बाद आ जाता है ये सूट। ये सूट मेरा ने पहना हुआ था, वीडियो में दिखा था, दिखा होगा आप लोगों ने अगर वीडियोस देखते हैं उसकी। तो ये वाला सूट जो है ना, इसका भी बहुत से मुझे डीएम्स आए कि ये सूट कहाँ से लिया है। तो मैंने बताया था कि ये पजामा जो है मैंने ये लिया था बच्चा पार्टी से, और ये वाली जो इसके साथ शर्ट इसने पहनी हुई थी, ये वाली लगती है हाईनेक की तरह है, जिस तरह हाईनेक्स होती हैं उस टाइम पर, इस पर ये फूल सा निकला हुआ था यहाँ पर, और ये बहुत प्यारी लग रही थी इसके साथ। ये शर्ट जो मैंने ली थी, ये मैंने ली थी लोकल हमारी सिटी में एक शॉप है उधर से ली थी। उसके बाद आ जाती है ये वाली जीन्स, इसका कलर बहुत ही प्यारा है। ये मेरा ने अभी पहनी नहीं है क्योंकि उसे भी थोड़ी सी बड़ी है, मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ लिया था। ये वाली जीन्स मैंने ली थी रिवाज से, तो ये इस तरह से है। उसके बाद आ जाती है ये वाली जीन्स, ये जीन्स भी बहुत ही प्यारी जीन्स है। इस पर ये इस तरह थोड़ी सी हल्की सी कढ़ाई हुई है। ये वाली जीन्स मैंने ली थी बच्चा पार्टी से, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये वाली जीन्स भी मैंने 9 to 12 months में ली थी। बच्चों को डायपर वगैरह लगाया हुआ होता है तो फिर ये वाली चीज़ बच्चों को टाइट हो जाती है, और फिर इधर से मैं फोल्ड कर देती हूँ जब मेरा को पहनानी हो। अगर मैं छोटा साइज़ लूँ तो फिर वो मेरा को इजीली पूरी नहीं आती। तो ये इस तरह से है। सच उसके बाद आ जाती है ये वाली जीन्स, ये जीन्स भी बहुत ही प्यारी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ये स्टिचेबल है। ये भी सेम मैंने बच्चा पार्टी से ही ली थी, साइज़ सेम ही लिया है 9 to 12 months, और उसके बाद इसकी जो प्राइस है वो है 1100। तो ये अब शायद हो, चेक कर लीजिएगा आप लोग उनकी वेबसाइट। उसके बाद ये पजामा लिया था, ये पजामे का मुझे प्रिंट बहुत प्यारा लगा था, तो ये पजामा भी मैंने बच्चा पार्टी से ही लिया था। ये आया था 600 का। ये इस तरह से है। जो मैंने अब शर्ट्स ली हैं उनसे, एक्सपो सिटी वालों से जो शर्ट्स ली हैं, ये सारी जीन्स जो हैं, ये टाइट्स जो हैं, ये सारी उन जो शर्ट्स मैंने हैं फुल स्लीव्स वाली हैं, उनके साथ ये सारी वेयर होंगी। अच्छा, उसके बाद सर्दियों के कपड़ों के हिसाब से मैंने ये वाला स्वेटर लिया था, तो ये अभी तक मेरा को पहनाया नहीं है। ये वाला मैंने लिया था ज़ुबैद दास से, उनके न्यू अराइवल में था। ये बहुत प्यारा स्टफ़ था, बहुत ही प्यारा स्टफ़ था, तो बहुत सॉफ्ट है। इसका जो मैंने साइज़ लिया था वो मैंने लिया था 3 to 6 months में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े हों तो बच्चों को अच्छे नहीं लगते पहनाए हुए इस तरह से। चलिए, उसके बाद ये वाला सूट आ गया, जो ये बहुत ही, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, फूला फूला सा होता है जो ये वाला सूट जो है, ये भी सूट बहुत प्यारा है। ये वाला मैंने लिया था रिवाज से, तो ये भी मेरे को अभी तक पहनाया नहीं है क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा ठंड आई नहीं है, तो जब ठंड आएगी तो इंशाल्लाह फिर मेरा को पहनाऊंगी। अच्छा, जो उसके बाद आ जाता है ये वाला सूट, ये वाला सूट भी मैंने लिया था रिवाज से। इस सूट का तो स्टफ़ भी बहुत मज़े का, ये भी मैंने मेरा को अभी तक नहीं पहनाया क्योंकि ठंड नहीं आई, ठंड आएगी तो फिर मैं मेरा को पहनाऊंगी। इसका स्टफ़ बहुत प्यारा है, बहुत ही मज़े का स्टफ़ है। इसके साथ ये शर्ट थी और इसके साथ था ये वाला ट्राउज़र, जो कि बहुत ही प्यारा है इस तरह से। अच्छा, तो मेरा के कपड़ों पे बहुत से कमेंट्स होते हैं कि आप मेरा के कपड़े कहाँ से लेती हैं, कहाँ से लेती हैं, कहाँ से बनवाती हैं, ऐसे बहुत से कमेंट्स होते हैं। तो ये मेरा के वो कपड़े थे जो मैंने मेरा को अभी तक पहनाए नहीं है। जो मेरा को मैंने पहनाए हुए हैं उनकी जो है मैंने पोस्ट वगैरह मैं इंस्टाग्राम पर डालती रहती हूँ, तो आप लोग वहाँ पर देख लिया करें, तो मुझे जो याद होता है मैं वो नीचे ज़रूर मैंशन कर देती हूँ। और कुछ मेरा के कपड़े इस तरह के होते हैं जो मैंने खुद डिज़ाइन करवाए हुए होते हैं, तो बहुत से ये भी लड़कियाँ पूछती हैं, डीएम्स करती हैं, ये कहाँ से लिया, किस ब्रांड का है, तो वो मैं यही कहती हूँ कि ये किसी ब्रांड का नहीं है, ये मैंने खुद बनवाया है,
खुद डिज़ाइनिंग करवाई है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं वो वाले, आप लोग देखना चाहते हैं वो वाले डिज़ाइन जो मैंने मिला के खुद से बनवाए हैं, खुद से डिज़ाइन किए हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगी कि कैसे इतने रीजनेबल से आप लोग भी डिज़ाइनिंग वाले बहुत से अच्छे कपड़े बनवा सकते हैं बच्चियों के लिए, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के बहुत से प्यार का बहुत सा शुक्रिया जो आप लोग मेरे के साथ करते हैं। उम्मीद है जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।